सिद्धार्थनगर के ढिबरुआ थाने में जब बस्ती रेंज के डीआईजी राकेश चंद्र साहू थाने का मुआयना करने पहुंचे, तब यहां उन्हें राइफल में यूज होने वाले 303 के कारतूस देखने को मिले, जो 25 साल पुराने थे। डीआईजी ने इतने पुराने कारतूस देखने के बाद खुद कबूला कि ये कारतूस धोखा दे सकते हैं, यानी कि राइफल में लोड तो किए जा सकते हैं मगर किसी भी अनहोनी पर साथ छोड़ सकते हैं। नेपाल बॉर्डर से लगे इस थाने की पुलिस, जिस पर जनता की हिफाजत का जिम्मा होता है, उनके ही हाथ में ऐसे राइफल हो तो सुरक्षा राम भरोसे ही कही जा सकती है। ये वार्षिक निरीक्षण मेरा चल रहा है और इस वार्षिक निरीक्षण के तहत मैं डिबरुआ थाने पर आज आया हुआ हूँ। हाँ नहीं, निश्चित रूप से जो पुराने कारतूस हैं वो समय पर धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ नए कारतूस आते हैं और उनसे हम इनकी बदली कर देते हैं। तो मैंने इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी नए कारतूस आए हुए हैं पुलिस लाइन में उसे इसको चेंज कर दिया जाए और जो वार्षिक फायरिंग होती है उसमें इसका यूज कर लिया जाए।